अभी जैसे मैंने बताया, कैंसर लगभग सभी विषयों से लिंक रखता है और सभी पहलुओं को मैं एक एक टच करने की कोशिश करूंगा। अपनी बॉडी में जितनी भी काई कोशिकाएं होती है उन सब में रैपिड मल्टीप्लीकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। डिवीजन के बाद में हर सेल की ग्रोथ होती है, हर सेल बूढ़ी होती है, हर सेल की डेथ होती है। ये पूरी लाइफ जर्नी के दौरान इनपुट आउटपुट चलता रहता है। सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है, सेल की डेथ होती है और पूरा एक होम्योस्टेसिस जिसको अपन कह सकते हैं वो मेंटेन रहता है। लेकिन कई बार बॉडी की जो सेल होती है वो अनियमित रूप से विभाजित होने लग जाती है और जब कोशिकाओं में कंट्रोल जो खत्म हो जाता है सेल डिवीजन का और उस तरह की जो अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि जो होती है इसको नियोप्लेसिया के नाम से या कैंसर के नाम से जाना जाता है। कैंसर जो है वो लगभग 200 तरह का होता है। कैंसर इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड इरेगुलर एंड स्प्रेड ऑफ अबनॉर्मल सेल्स एंड सच सेल्स आर कॉल्ड नियोप्लास्टिक सेल्स। इसको नियोप्लेसिया भी कहते हैं। तो कैंसर है वो एक तरह की नियोप्लास्टिक ग्रोथ है। अब नियोप्लेसिया जो है ये दो प्रकार का हो सकता है। इस फिगर में आप देख रहे हो, हाँ, एक से दो सेल बनी, दो से चार बनी, चार से आठ बनी, आठ से 16 बने और ये सेल का रैपिड मल्टीप्लीकेशन है वो चलता रहता है। यदि एक आलपिन के पिन पॉइंट पिन के जैसी यदि कोई गांठ हो उसमें लगभग 1 मिलियन सेल्स, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख कोशिकाएं उसमें हो सकती है और यही गांठ जब अंगूर के समान हो जाती है उसमें लगभग 1 बिलियन सेल यानी करीब 10 अरब कोशिकाएं इस गांठ के अंदर हो सकती है। अब ये मल्टीप्लीकेशन जो जो लगातार चलता रहेगा ट्यूमर की साइज बढ़ती रहेगी। ये ट्यूमर दो तरह का हो सकता है, एक तो बिनाइन ट्यूमर जो कि शांत प्रकार का होता है, ज्यादा घातक नहीं होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि घातक होता है और असली जो कैंसर है, एक्चुअल जो कैंसर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर ही होता है। इन दोनों ट्यूमर में मैं डिफरेंस जैसे आपको बताऊंगा। बिनाइन ट्यूमर में कोशिकाएं प्राय विभेदित होती है, सेल्स आर डिफरेंशिएटेड, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कोशिकाएं हैं वो अविभेदित हो जाती है यानी हालांकि पूरी अविभेदित नहीं होती है, उनमें टोटिपोटेंसी डेवलप नहीं होगी लेकिन फिर भी डिफरेंशिएटेड सेल्स से कुछ हद तक वापिस डी डिफरेंशिएट हो जाती है और अविभेदित का वो एक प्रतिरूप में कन्वर्ट हो जाती है। बिनाइन ट्यूमर प्राय घातक नहीं होता है क्योंकि अपने शरीर में फोड़े फुंसियां गुमडे होते रहते हैं, वो भी एक तरह का बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये बहुत ही घातक होता है क्योंकि इसके जरा सी भी छेड़खानी कर दी तो ये कोशिकाएं ब्लड के द्वारा शरीर के दूसरे अंगों में चली जाती है। कई बार ये बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कैंसर के टॉपिक को एम्ब्रियोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं। इसका वास्तविक कारण यह है कि कैंसर कोशिकाएं जो होती है उसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसकी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जैसे एम्ब्रियोनिक सेल है उसके अंदर मूवमेंट होती है, माइग्रेशन होता है गेस्टेशन के दौरान एपिबोली एम्बोली के रूप में, कैंसर कोशिकाओं में भी मूवमेंट होती है। एम्ब्रियोनिक सेल्स में स्यूडोपोडिया डेवलप हो जाते हैं, कैंसर सेल में भी स्यूडोपोडिया डेवलप हो जाते हैं और ये सेल फ्रीली मूवमेंट करती है। तो कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं जिसके कारण कैंसर के टॉपिक को एम्ब्रियोलॉजी में भी आजकल स्टडी करते हैं। बिनाइन ट्यूमर में जो वृद्धि होती है ये बहुत ही मंद गति से होती है, लो स्पीड से होती है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। बिनाइन ट्यूमर में कोशिकाओं में कोई ज्यादा सेलुलर चेंजेस नहीं होते, सेल की गॉल्जी बॉडीज में, ईआर में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में कोशिकाओं में सेलुलर चेंजेस होते हैं। लगभग हर सेल ऑर्गेनेल्स में कोई कोई चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी, इस पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे। बिनाइन ट्यूमर में गुणसूत्रों में कोई असामान्यताएं नहीं मिलेगी। एबनॉर्मलिटी से मतलब म्यूटेशन से मतलब है, जिसमें गुणसूत्र में डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। इस तरह की जो क्रोमोसोमल असामान्यता है ये सामान्य बिनाइन ट्यूमर में नहीं पाई जाती है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर यदि हो तो उस केस में गुणसूत्रों के अंदर उत्परिवर्तन की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। बिनाइन ट्यूमर में कोशिकाएं टाइट जंक्शंस के द्वारा जुड़ी रहती है। अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स है सिवाय ब्लड सेल्स को छोड़कर सभी कोशिकाएं आपस में टाई जंक्शन के द्वारा, कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी रहती है, लेकिन जब घातक प्रकार का कैंसर हो जाता है ये टाई जंक्शन समाप्त हो जाते हैं, कोशिकाएं स्वतंत्र हो जाती है
और ये कोशिकाएं ब्लड के द्वारा माइग्रेट करके बॉडी के दूसरे अंगों में जाकर वहां पर ये कैंसर है वो डेवलप कर देती है। सामान्य ट्यूमर में मेटास्टेसिस की घटना नहीं होती है। मेटास्टेसिस का अर्थ है कि जब कैंसर की एक कोशिका बॉडी में किसी दूसरे अंग में जाकर कैंसर उत्पन्न कर दे, यह घटना मेटास्टेसिस कहलाती है। सामान्य ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं होता है क्योंकि सेल टाइट जंक्शंस के द्वारा जुड़ी है, सेल फ्री नहीं है, सेल मूवमेंट करने में कैपेबल नहीं है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं ये ब्लड के द्वारा प्रवास करके शरीर के दूसरे अंगों में चली जाती है और उन अंगों में कैंसर उत्पन्न कर देती है, यह घटना मेटास्टेसिस कहलाती है। सामान्य ट्यूमर जो होता है इसको शल्य चिकित्सा के द्वारा उपचारित कर सकते हैं, ट्रीटेड बाय सर्जरी। और सर्जरी से मतलब जो भी गांठ है उसकी सरकमफेरी को डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल जाते हैं, ये शल्य चिकित्सा है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इसका ट्रीटमेंट शल्य चिकित्सा से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए क्यूमियोथेरेपी अपनाई जाएगी, इम्यूनोथेरेपी अपनाई जाएगी, रेडियोथेरेपी अपनाई जाएगी और आजकल टारगेटेड मेडिसिन है उसका भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है सामान्य ट्यूमर में और मैलिग्नेंट ट्यूमर में। अब कैंसर का भी एक पूरा प्रोटोकॉल है इसके क्लासिफिकेशन का, इसके लिए इंटर यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ये कैंसर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑंकोलॉजी और अपने ह्यूमन में लगभग 200 तरह के कैंसर है वो अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं। इनके कुछ सामान्य टर्मिनोलॉजी है जैसे कार्सिनोमा, कार्सिनोमा शब्द जो है उस कैंसर के लिए यूज होगा जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनने वाले अंगों में होता है। जैसे स्किन में यदि कोई कैंसर है ये कार्सिनोमा है, इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया ये कार्सिनोमा है, क्योंकि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से जो भी बॉडी के जो भी ऑर्गेन्स बनेंगे उनमें होने वाले कैंसर को कार्सिनोमा के नाम से जाना जाता है। और मनुष्य में लगभग 85% कैंसर इसी श्रेणी के होते हैं। इसके मेन एग्जाम्पल है जैसे स्क्वेमस कार्सिनोमा, ये बॉडी की उपला कोशिकाओं में पाया जाता है। हालांकि एपिथीलियम हर जर्म लेयर से बनेगी, एक्टोडर्म से भी उपकला बनती है उसको एपिथीलियम बोलते हैं, एंडोडर्म से भी उपकला बनती है उसको एंडोथीलियम बोलते हैं, मीजोडर्म से भी उपकला बनती है उसको मीजोथीलियम बोलते हैं, लेकिन वो मसल्स का पार्ट है। एडिनोकार्सिनोमा, ये बॉडी की जितनी भी ग्रंथियां हैं, चाहे वो अश्रु ग्रंथियां हो, चाहे मेमोरी ग्लैंड हो, चाहे पसीने की ग्रंथियां हो, हर ग्रंथि के अंदर भी कैंसर हो सकता है, ये भी एक तरह का कार्सिनोमा होता है। दूसरी टाइप जो है सार्कोमा, सार्कोमा उन कैंसर के लिए यूज होता है जो मीजोडर्म के द्वारा बनती है। मीजोडर्म से बनने वाली जितनी भी रचनाएं जिसमें कार्टिलेज हो सकता है, हड्डियां हो सकती है, संयोजी ऊतक हो सकती है, एडिपोज टिश्यू हो सकता है, तो मीजोडर्म से बनने वाले अंगों में जब कैंसर हो इस तरह के कैंसर को सार्कोमा के नाम से जाना जाता है। और लगभग 2% कैंसर इसी प्रकार के होते हैं मनुष्यों में। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जैसे फाइब्रोसार्कोमा, जब शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज में कैंसर हो जाए, लिपोसार्कोमा, जब शरीर के एडिपोज टिश्यूज में कैंसर हो जाए, कोंड्रोसार्कोमा, जब शरीर की उपास्थियों में कार्टिलेज में कैंसर हो जाए, ऑस्टियोसार्कोमा, जब हड्डियों के अंदर कैंसर हो जाए, लियोमायोसार्कोमा, जब बॉडी की स्मूथ मसल्स चिकनी मांसपेशियों में कैंसर हो जाए, रेब्डोमायोसार्कोमा, जब कंकाली पेशियों में कैंसर हो जाए। इसके अलावा और भी इनकी टाइप है, 20-25 तरह की टाइप्स है। तो मीजोडर्म से के अंगों में जब कैंसर होगा उसको सार्कोमा के नाम से जाना जाएगा। लिम्फोमा, ये 5% है इसका। अपने शरीर में लिम्फ ग्रंथियां होती है, लिम्फ नोड होते हैं, क्योंकि WBC का प्रोडक्शन हड्डियों में तो होता ही है, उसको मेडुलरी हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। लेकिन बोन मैरो के अलावा बॉडी में कई ऑर्गेन ऐसे हैं जहां पर भी WBC का प्रोडक्शन होता है, जिसमें टॉन्सिल्स हैं अपने गले के अंदर, इंटेस्टाइन में पेयर पेचेज होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, स्प्लीन होती है, लीवर होती है, इन ऑर्गेन्स में भी WBC का प्रोडक्शन होता है। और कई बार लसिका की गांठों में कैंसर हो जाता है, इन लसिका की गांठों में लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन आवश्यकता से ज्यादा होने लग जाता है, ये भी एक तरह का ब्लड कैंसर है, एक तरह का ल्यूकेमिया है। और इसकी खोज लेडी हॉजकिन साइंटिस्ट है, इन्होंने की थी, इसके कारण इसको हॉजकिन लिम्फोमा के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकेमिया जो एक्चुअल में जो ब्लड कैंसर है, ब्लड में RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है, लेकिन ब्लड की जो एक्चुअल कोशिकाएं हैं वो WBC होती है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक होता है, सेंट्रियोल होता है, और इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है, मल्टीप्लीकेशन की कैपेसिटी है। शरीर में जब WBC के अंदर आवश्यकता से ज्यादा प्रोडक्शन प्रारंभ हो जाए तो वो एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, इसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। और 4% मामले जो होते हैं वो ब्लड कैंसर के होते हैं।
अब चूंकि WBC भी कई तरह की है, एसिडोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल्स है, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट भी कम से कम 50 तरह की है। हर कैंसर में अलग अलग सेल्स के प्रोडक्शंस होता है, हर सेल की संख्या बढ़ जाती है और उसके अकॉर्डिंग इनकी टर्मिनोलॉजी है। जैसे मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसे मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाएगी। मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसके अंदर बोन मैरो की सेल जो होती है वो ब्लड में आने लग जाती है। इरिथ्रेमिक ल्यूकेमिया, इसमें WBC की आकृति RBC की जैसी हो जाती है। प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये सारे ब्लड कैंसर की टाइप है। मेलानोमा एक ऐसा कैंसर है जिसमें स्किन में जो पिगमेंट होता है अपने मेलानिन, आपकी आंखों में पिगमेंट है, बालों में पिगमेंट है, त्वचा में पिगमेंट है, जब आवश्यकता से ज्यादा मेलानिन का उत्पादन प्रारंभ हो जाए आपकी त्वचा एकदम काली हो जाएगी, ये भी एक तरह का कैंसर है। ग्लियोमा एक तरह का ब्रेन ट्यूमर है, अपने ब्रेन में दो तरह की कोशिकाएं मिलती है, एक तो ऑर्डिनरी नर्व सेल होती है जो न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोहार्मोन्स का स्राव करती है, उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, लेकिन ऑर्डिनरी नर्व सेल के अलावा ब्रेन में और नर्व सेल भी होती है जिसमें विभाजन की कैपेसिटी है, इनको ग्लियल कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है, और लगभग 6 तरह की कोशिकाएं ब्रेन में मिलती है जिसमें पॉपुलर नाम आपने सुना होगा, एक परकिंजी सेल है जैसे, ये ब्रेन की सेल है, श्वान कोशिका है, ब्रेन की सेल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, ये ब्रेन की सेल है, एस्ट्रोसाइट सेल है, ये ब्रेन की सेल है, इन सभी सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी होती है, जब आवश्यकता से ज्यादा विभाजन इनमें प्रारंभ हो जाए तो ये ब्रेन ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती है, इसको ग्लियोमा के नाम से जाना जाता है। और ग्लोमेंजियोमा, जब ग्लोमस बॉडीज के अंदर कैंसर हो जाए उसको ग्लोमेंजियोमा के नाम से जाना जाएगा। तो ये ओवरऑल 7 मेन टाइप्स है कैंसर की, 7 मेन टाइप है, इनकी फिर फर्दर सब टाइप्स है और टोटल जो काउंटिंग है वो लगभग 200 के आसपास बैठती है। कुछ पिक्चर है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा, ये बॉडी के जैसे पार्ट दिखाए अलग अलग, कार्सिनोमा है जैसे फेफड़ों में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, कॉलन में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड में हो सकता है, सार्कोमा में हो सकता है, ल्यूकेमिया है, ये WBC का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ ओरिजिनल फिगर है, ये जैसे एडिनो कार्सिनोमा, ये पर्टिकुलर फीमेल में ब्रेस्ट के अंदर गांठ बन जाती है मेमरी ग्लैंड्स में, और ब्रेस्ट में जो ट्यूमर है इसको एडिनो कार्सिनोमा के नाम से जाना जाता है। ये फाइब्रोसार्कोमा, ये देख रहे हो कैंसर पेशेंट है और टांगों में जो कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, इसके अंदर कैंसर डेवलप हो गया है। लिपोसार्कोमा, ये स्किन के नीचे जो एडिपोज ऊतक होता है उसके अंदर कैंसर हो जाता है, इसको लिपोसार्कोमा के नाम से जाना जाता है। कोंड्रोसार्कोमा, ये शरीर की जो पास्तियां होती है कार्टिलेज के अंदर ये कैंसर जब डेवलप हो जाता है। ये रेब्डोमायोसार्कोमा, इस पेशेंट में आप देख रहे हो आंखों के ऊपर की जो मसल्स हैं उसके अंदर ये कैंसर डेवलप हो गया है। लियोमायोसार्कोमा, ये शरीर के जो लिपोइड टिश्यूज है, एडिपोज टिश्यूज है, स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर ये डेवलप हो जाता है। ये हॉस्किन लिम्फोमा, शरीर में जो लसिका की गांठें होती है लिम्फ नोड उनके अंदर कैंसर हो जाता है। ये ब्लड कैंसर्स के अलग अलग हिस्टोलॉजिकल पिक्चर्स हैं, इसमें मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसमें मोनोसाइट की संख्या जैसे बढ़ रही है, और ये जो डिटेक्शन है ये पैथोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट जो ब्लड फिल्म की स्लाइड बनाएंगे और माइक्रोस्कोप पे हर सेल को वो काउंट करते हैं, हर सेल को डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं कि कौन सी सेल एसिडोफिल है, कौन सी बेसोफिल है, कौन सी न्यूट्रोफिल है, उसके अकॉर्डिंग ये ब्लड कैंसर का जो है क्लासिफिकेशन है। ये मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकेमिया है, ये इरिथ्रेमिक ल्यूकेमिया है, इसमें आप देख रहे हो WBC की जो आकृति है वो RBC जैसी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे सरफेस पे हीमोग्लोबिन है वो जमा हुआ है लेकिन एक्चुअली हीमोग्लोबिन नहीं है। ये प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये ग्लियोमा ब्रेन ट्यूमर। अब इस फिगर में आप देख रहे हो, ये सीटी स्कैन का फिगर है और ब्रेन के एक पार्ट में लेजन डेवलप हो गया, एक तरह का छोटी सी गांठ डेवलप हो गई है,
अब ब्रेन ट्यूमर में क्या होगा कि अपना ब्रेन है वो बायलेटरल है, ब्रेन के दो पार्ट है, राइट सेरिब्रम लेफ्ट सेरिब्रम। ब्रेन का जो राइट पार्ट है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट पार्ट है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा। अब ब्रेन के किसी पार्ट में जब गांठ डेवलप हो जाती है तो वो दूसरे पार्ट के ऊपर प्रेशर डालती है, और प्रेशर डालती है तो ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन इसकी सिमेट्री है वो थोड़ी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है। और इस तरह की जब कंडीशन होती है तो आदमी प्रॉपर तरीके से बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। कई बार उसकी जो जीभ होती है, जीभ भी एक तरफ मुड़ जाती है। कई बार लार का सिक्रेशन एक साइड से हो रहा है, एक साइड से नहीं हो रहा है। इस तरह के यदि लक्षण हो, बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, चलने में प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो, तो डेफिनेटली ब्रेन ट्यूमर की तैयारियां हो रही है। इसका एक आगे भी फिगर आएगा, सिमेट्रिक आप देखोगे। ये धूम्रपान एक बहुत बड़ा मेन कारक है, विशेषकर इंडिया में, क्योंकि यूथ है वो नशे की चपेट में आ रहा है, स्मोकिंग की चपेट में आ रहा है, और एक्टिव स्मोकर्स की बजाय पैसिव स्मोकर्स इंडिया में बहुत ज्यादा है। अब मैं जैसे धूम्रपान नहीं करता हूं, लेकिन मेरी मित्र मंडली है वो धूम्रपान करती है, और उसका जो धुआं है मेरे को भी निकलना पड़ता है। तो पैसिव स्मोकर्स में भी कैंसर के केसेज हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये एक फिगर आप देख रहे हो, एक्चुअल फिगर है, इसमें स्मोकिंग के कारण इसके गले के अंदर है वो कैंसर डेवलप हो गया है। ये थायराइड कैंसर, ये मेलानोमा कैंसर इस व्यक्ति में आप देख रहे हो, पूरी टांग में मेलानिन पिगमेंट आवश्यकता से ज्यादा बन गया है और पूरी बॉडी है वो काली हो गई है मेलानिन पिगमेंट के कारण। ये भी एक तरह का कैंसर है, हालांकि घातक नहीं है, लेकिन स्किन है वो काली हो जाती है। ये पीनियल ग्लैंड का कैंसर है, ये फोटो मैंने पिलानी में खींचा था, मेरे बच्चे की जब नेट का एग्जाम देने गया तो वहां पर ये बस स्टैंड पे व्यक्ति मिला मेरे को, और इसकी पीनियल ग्लैंड में ये कैंसर हो गया है। ये पिक्चर मेरे गांव का ही है, नोवाल परिवार में, और इसके सेरिबेलम के अंदर लोब है वो ब्रेन के बाहर प्रोट्रूड हो गया है। ये भी एक तरह का ब्रेन कैंसर का एग्जाम्पल है। ये बर्कित लिम्फोमा, बर्कित लिम्फोमा छोटे बच्चे में, और अपने जो एक वित्त मंत्री थे शरद पवार, उसमें भी कैंसर था, उनका हालांकि ऑपरेशन हो गया, लेकिन उनके जबड़े की शक्ल है वो डिस्टॉर्ट हो गई है। ये हड्डियों का कैंसर है, ऑस्टियोमा, हड्डियों का डायमीटर वो बढ़ने लग जाता है, हड्डियों की लंबाई बढ़ने लग जाती है, और कई बार हड्डी होती है वो स्किन को प्रोट्रूड करके स्किन के बाहर भी आ जाती है। इस फिगर में आप देख रहे हो फीमर का जो हेड है, सर्कुलर हेड है, उसकी साइज बढ़ती जा रही है और स्किन को भेद कर ये बाहर आ रही है। हड्डियों का कैंसर ये भी बहुत घातक होता है, इसमें स्लो पेन होता है, क्योंकि ग्रोथ धीरे धीरे होती है, स्लो पेन होता है, लेकिन आगे जाके स्थिति बहुत ही घातक हो सकती है। ये मस है एक तरह का, अपने शरीर में तिल बन जाते हैं, मस बन जाते हैं, ये भी एक तरह का कैंसर है, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। अपने जो लैब बॉय है जगदीश जी, देखा होगा इनके माथे के ऊपर एक है, ये इनको क्या काटते रहते थे, कुचलते रहते थे नाखून से, और मैं देखा है 10 साल पहले बहुत छोटा सा था 1 mm का, और अब उसकी साइज है वो 8 की जैसी हो गई। हालांकि ये घातक नहीं है, लेकिन ज्यादा इसको खुदे दे तो हो सकता है ये सेल ब्लड के द्वारा माइग्रेट करके शरीर के दूसरे अंगों में कैंसर डेवलप कर दे। तो स्किन में जो मस बनता है, तिल बनता है, ये भी एक तरह का कैंसर का एग्जाम्पल है। हालांकि ये घातक नहीं है, लेकिन इसको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। गांव में देखा है कि घोड़ी के पूंछ के बाल से इसको काटते हैं, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और ये कैलस है एक तरह का, कैलस यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है। ये वही अगेन बर्कित लिम्फोमा का एग्जाम्पल, ये लीवर के कैंसर का एग्जाम्पल। आप देख रहे हो इस बच्चे में लीवर कितना इलाज हो चुका है, और पूरा एब्डोमेन एक मटके की तरह एकदम गोल स्ट्रक्चर हो गई है। अब ये बच्चा नए चल सकता है, नए प्रॉपर तरीके से खाना खा सकता है, नए डाइजेशन हो सकता है। ये ब्रेस्ट कैंसर हमारे परिवार की महिलाएं भाभी है, आज के 10-11 साल पहले इनका एक ब्रेस्ट रिमूव हुआ, उसके 3 साल बाद में दूसरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ, फिर ये कैंसर की सेल किडनी में स्प्रेड हो गई और 6-7 साल तक सर्वाइव कर पाई, बाद में इनकी डेथ हो गई। कैंसर के कारण, एक्चुअल कारण तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो व्याख्यान है ये एक जनरल पर्पस से भी मैंने तैयार किया है, विशेषकर एनसीसी के बच्चों के लिए, एनएसएस के बच्चों के लिए। तो कैंसर के जो मुख्य कारण है वो एक तो लाइफ स्टाइल है, आजकल की युवा पीढ़ी की लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट और फैमिली हिस्ट्री, इन सब में थोड़ा थोड़ा मैं एस्पेक्ट टच करूंगा। लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग की जैसे बहुत जबरदस्त आदत है,
इंडिया में विशेषकर यूथ है स्मोकिंग की चपेट में, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा यूके है, घर में 5-5 साल के बच्चे हैं वो सिगार पीना स्टार्ट कर देते हैं, सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, उनके दांतों के अंदर टार जम जाता है, दांत भूरे रंग के इमली का कलर जैसे होता है, कन्या कलर वैसे हो जाते हैं। डाइट के अंदर फाइबर नहीं है आजकल, आजकल के बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, फाइबर डाइट नहीं लेते हैं, और भोजन में जब फाइबर नहीं हो तो ये भी कैंसर को न्योता देना है एक तरह का। एक्सरसाइज नहीं करते आजकल के बच्चे, क्योंकि स्लगिश लाइफ स्टाइल हो गई है, खूब सोते हैं, खूब मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये भी एक कैंसर के लिए एक आगमन का एक एस्पेक्ट हो सकता है। और बॉडी है ये अनप्रोटेक्टेड है, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन के कारण सूरज की किरणें हैं वो भी जहरीली हो गई है, और सूरज की किरणों से पराबैंगनी किरणें निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है, ये पराबैंगनी किरणें आपकी स्किन को एक्सपोज करेगी और स्किन कैंसर डेवलप हो सकता है। और WHO को तो मानना है कि आने वाले दिनों में स्किन कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा मिलेंगे, इसलिए आप घर से बाहर जब भी निकलो तो सूती कपड़े पहन के आप निकले, सर ढक के निकले, चेहरा ढक के निकले, ताकि पराबैंगनी किरणों से आपकी जो सेल है वो बच सके। और ओबेसिटी, मोटापा, ये भी एक मेन कारण है, ये सारे लाइफ स्टाइल्स के कारण है, जिसमें स्मोकिंग हो गया, डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, बॉडी का अनकवर रहना, और मोटापा, ओबेसिटी। एनवायरमेंटल कारणों में सेकेंड हैंड स्मोक, अभी जैसे मैंने बताया कि जो खुद बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो तो एक्टिव स्मोकर हो गए, और उनकी मित्र मंडली जो बीड़ी नहीं पीती लेकिन उनका धुआं निकलती है वो पैसिव स्मोकर हो गए या सेकेंड हैंड स्मोकर हो गए। तो सेकेंड हैंड स्मोक है ये एक बहुत बड़ा रीजन है। एयर पॉल्यूशन, हवा भी जहरीली हो गई है आज इंडिया में, दिल्ली की जो हवा है इंडिया में सबसे, इंडिया में क्या, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होगी, और दिल्ली में रहना दूर पर है, बारिश होती है तब जाके वो पॉल्यूटेंट नीचे आते हैं और तब जाके वहां के आदमी है ये गहरी सांस ले पाते हैं, चैन की नींद ले पाते हैं। एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जितनी बड़ी सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, वहां पर कारखाने हैं और कलकारखानों से जो धुआं निकलता है वो भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। अपने पास में आप खेतड़ी जैसे जाके देखो, कॉपर वहां पर, अब तो खैर वो प्रोडक्शन वहां पर कम हो गया, लेकिन आज के 10-15 साल पहले वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत निकलती थी चिमनी से, और वहां मैंने देखा है, क्योंकि हमारा बिजनेस है, मेरे ब्रदर रहते हैं, मेरे ब्रदर के छाती के पूरे बाल हैं वो पीले रंग के हो गए सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और लास्ट में उनके भी पैनक्रियाज में कैंसर हुआ, लास्ट में उनकी डेथ हो गई, और मुश्किल से कोई 5-7 साल ही वो सर्वाइव कर पाए। और केमिकल एक्सपोजर, केमिकल का उद्भासन है, क्योंकि आजकल जीनोबायोटिक कंपाउंड्स, नेचुरल केमिकल्स के अलावा साइंटिस्ट ने कम से कम 5 लाख तरह के केमिकल लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लिए हैं, और ये केमिकल किसी भी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ये चले जाते हैं, स्किन के थ्रू इनकी एंट्री होती है, आंखों के थ्रू एंट्री होती है, नाक के थ्रू एंट्री होती है, भोजन के थ्रू एंट्री होती है। अभी मैं एक फैक्ट्री लेने गया रायसिंह नगर, वहां पर अपने जूलॉजी की प्रोफेसर थी नीना हांडा, और उन्होंने लेडीज के मिल्क बेस्ट पे PhD किया है, और उनकी पूरी रिसर्च ऑथेंटिक है, पंजाब में, पंजाब की रहने वाली है, और पंजाब में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में DDT है, और उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा DDT इंडियन लेडीज के मिल्क में है, विशेषकर हरियाणा और पंजाब, और उस मिल्क के कारण वहां के बच्चों में कैंसर हुआ है। ये भी एक डिपोजिशन है एक तरह का, बायो मैग्निफिकेशन मान लो, तो फसलों के थ्रू वो फसल अपन खाते हैं, सब्जी अपन धोते नहीं है, गेहूं अपन धोते नहीं है, मार्केट में गेहूं आ रहा है इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, इनको धो के सुखा के अच्छी तरह काम में लेना चाहिए, लेकिन हम काम में नहीं लेते हैं, और ये अल्टीमेटली केमिकल आपकी बॉडी में डिपोजिट होता है। तो ये एनवायरमेंटल रिस्क है इसमें, पैसिव स्मोकर, एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और केमिकल एक्सपोजर। इनहेरिटेड रिस्क, कुछ कैंसर के मामले ऐसे हैं जो वंशागत है, हेरिडिटी है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट होते हैं, इनके लिए क्रोमोसोम उत्तरदायी है, जीन रेस्पॉन्सिबल है, फैमिली हिस्ट्री है वो रेस्पॉन्सिबल है, और इस तरह के जो कैंसर है मेनली कॉलन कैंसर, मलाशय से पहले जो कॉलन होता है, अभी अपने कॉलेज में महावीर सिंह जी, उनकी मिसेज के कॉलन कैंसर डिटेक्ट हुआ है, सेकेंड स्टेज का ऑपरेशन करवा के आए, वो फोटो भी मैं शेयर करूंगा, मेरे पास है इसमें। ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटी हो सकता है, अंडाशय का कैंसर हेरिडिटी हो सकता है, प्रोस्टेट का कैंसर हेरिडिटी हो सकता है,
स्किन कैंसर हेरिडिटी हो सकता है, तो किसी फैमिली हिस्ट्री में इस तरह के केसेस हो सकते हैं कि उस परिवार में अंडाशय का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, टेस्टिस का कैंसर है, इसके लिए कोई ना कोई जीन है वो उत्तरदायी होता है। अब कैंसर की स्क्रीनिंग है वो बहुत जरूरी है, एक पर्टिकुलर एज में, 20 साल की एज में, 30 साल की एज में, 50 साल की एज में, यह स्क्रीनिंग हर साल भी हो सकती है, 3-4 साल के इंटरवल से भी हो सकती है। स्क्रीनिंग मतलब चेकअप, बॉडी का चेकअप है वो बहुत मस्ट है। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेन के कैंसर है जो आभास भी हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में सेंसर है, आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स है, आपकी बॉडी में बाहर एनवायरमेंट में जो भी सिग्नल में चेंजिंग हो रही है उनको एक्सटर्नल रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। आपके शरीर के अंदर भी एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट में कोई भी चेंजिंग होगी आपकी बॉडी में इंटरनल रिसेप्टर है उसको डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार स्कूलों में बच्चे छुट्टी मांगते हैं कि सर पेट दुख रहा है। अब पेट दुख रहा है उस बच्चे को किसने बताया? डेफिनेटली उसकी बॉडी में सेंसर है, उन सेंसर ने डिटेक्ट किया। अब आपके शरीर में कहीं अंडाशय में कहीं गांठ बन रही है, लीवर में गांठ बन रही है, ब्रेस्ट में कहीं गांठ बन रही है, आपको आभास हो जाएगा। आप कहते हो यहाँ पर पेन महसूस होता है, यहाँ पर जकड़न महसूस होती है। तो ये पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है वो भी डॉक्टर के साथ सलाह करनी चाहिए। ये स्क्रीनिंग कॉलन के लिए बहुत कंपल्सरी है, ब्रेस्ट के लिए बहुत कंपल्सरी है, सर्वाइकल, ये फीमेल का ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बूढ़े आदमियों सब में प्रॉब्लम होती है, आफ्टर 50 ईयर 60 ईयर हर आदमी में प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा टेस्टिस की ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, ब्रेस्ट की ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, स्किन में कोई चेंजिंग हो रही है उसके ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि कैंसर यदि प्राइमरी स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, सेकेंडरी स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, उसका पूरा 100% क्योर है और आदमी 20 साल 30 साल तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपने को तीसरी स्टेज आते आते पता लगता है, प्राइमरी स्टेज में तो पता ही नहीं चलता है, सेकेंडरी स्टेज में थोड़ा बहुत फील होता है लेकिन लापरवाही कारण अपन डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाते, और तीसरी स्टेज जो होती है तब अपने को पता चलता है कि कैंसर डिटेक्ट हो गया। अब उस केस में ठीक है, ट्रीटमेंट तो चलेगा लेकिन सर्वाइवल है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होती है। और लास्ट स्टेज होती है वो तो बहुत ही घातक है, उसमें तो आदमी 2 महीने 3 महीने 4 महीने सर्वाइव कर ले, बहुत मुश्किल है। तो स्क्रीनिंग है वो कंपल्सरी है, मस्ट है, और आपकी बॉडी का चेकअप है वो रेगुलर इंटरवल से होना चाहिए। ये कॉलन कैंसर, ये एक्चुअल फिगर है, सर ने मेरे को दिया था अभी, और इनका ऑपरेशन हो गया अभी। कॉलन है करीब 1.5 फीट कॉलन है, वो काटी है जहां पर गांठ थी, गांठ के 6 इंच इधर 6 इंच इधर 1.5 फीट की कॉलन काटी है और उसको फिर वापस कनेक्ट कर दिया है ताकि वो स्प्रेड नहीं हो। कॉलन कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो 50 इयर्स के बाद में जैसे होनी चाहिए, आदमी जब 50 साल का हो गया तो पूरी इंटेस्टाइन का चेकअप होना चाहिए। और इसके लिए टेस्ट होते हैं, एक तो FOBT फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, क्योंकि टॉयलेट के साथ कोई ब्लड जैसे ऊज हो रहा है उस ब्लड का कल्चर करके डिटेक्शन हो सकता है। सिग्मोइडोस्कोपी के द्वारा इसका डिटेक्शन हो सकता है। डबल कॉन्ट्रास्ट बैरियम एनिमा, इसके द्वारा भी इसका डिटेक्शन हो सकता है। और कॉलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी होती है उसी तरह कॉलोनोस्कोपी होती है, और NS के द्वारा कैथेटर है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें आगे कैमरा लगा होता है, टॉर्च लगी होती है, और पूरे कॉलन का अंदरन का जो फिगर है वो कंप्यूटर के स्कैन किया जाता है। तो ये कुछ चेकअप के इनके टेस्ट हैं जो कॉलन के लिए यूज में ले सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेगुलर मैमोग्राफ, क्योंकि विशेषकर गर्ल्स में ब्रेस्ट में भी दो टर्म है, जैसे एक तो थैलार्क है, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, फैट डिपोजिशन जब स्टार्ट हो जाता है टेस्ट में उसको थैलार्क बोलेंगे, और ब्रेस्ट में मैमेनी ग्लैंड्स बनती है वो अलग चीज है, मैमोजेनेसिस अलग परिघटना है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट अलग परिघटना है, और ब्रेस्ट में भी जब गांठें हैं वो डेवलप हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी में जितनी भी सीक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, चाहे वांसू सीक्रेशन करने वाली हो, चाहे मिल्क सीक्रेशन करने वाली हो, चाहे पसीने का स्राव करने वाली हो, इन ग्रंथियों के अंदर कैंसर की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, और ब्रेस्ट के अंदर छोटा सा लंब बनता है, और इसके लिए आजकल लो रेडिएशन का मैमोग्राफ बनता है, एक्सरे होता है, और बॉडी का चेस्ट का जो एक्सरे होता है वो स्किन के ऊपर आ जाता है। यदि इस एक्सरे में इस तरह का लंप जैसा टिश्यू यदि कोई दिखाई देता है, इसका मतलब ब्रेस्ट ट्यूमर की यहाँ पर तैयारियां हो रही है, और इसमें फिर सर्जिकल ऑपरेशन है वो इसका एक तरीका है। अर्ली स्टेज में ये घातक नहीं है,
और आजकल सिलिकॉन के जो ब्रेस्ट है वो इम्प्लांट हो जाते हैं, क्योंकि मैमोजेनेसिस दोबारा नहीं होगा, ग्लैंड्स डैमेज होगी तो ब्रेस्ट प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगा, उसके लिए आर्टिफिशियल सिलिकॉन के ब्रेस्ट है वो इम्प्लांट हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो लेडीज खुद भी कर सकती है, क्योंकि उनको आभास होता है कि ब्रेस्ट के अंदर गांठ डेवलप हो रही है, दर्द महसूस होता है, और प्रॉपर पर्सनल चेकअप के द्वारा भी वो इस चीज को डिटेक्ट कर सकती है, और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा सलाह है वो लेनी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर, ये भी जैसे फीमेल का ही पार्ट है, वेजाइना और यूट्रस के बीच का जो कनेक्शन है सर्वाइकल, विशेषकर गर्ल्स में अर्ली एज में 25 साल 30 साल रिप्रोडक्टिव एज होती है, उसमें वेजाइनल कैंसर की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, सर्वाइकल कैंसर की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, और एक दो इश्यू होने के बाद में मेनोपॉज की से पहले या 40 ईयर्स के बाद में यूट्रस की कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। यंग एज में यूट्रस कैंसर मिनिमम रहेगा, ओल्ड एज में वेजाइनल कैंसर मिनिमम रहेगा, और सर्वाइकल की जो जांच है ये भी पीरियोडिक रूप से होनी चाहिए। इस फिगर में आप देख रहे हो, जैसे ये नॉर्मल स्टेज है, ये अर्ली स्टेज है, लेट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है, और सर्वाइकल है, इसके अंदर पूरी जगह ये फफोलेदार स्किन है वो बन चुकी है, और ये स्थिति बहुत ही घातक है, क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर विलाय इमैकुलेट बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर प्लेसेंटा बनता है, इम्प्लांटेशन बनता है, और इस केस में ये जो इसका चेकअप है बहुत जरूरी है, तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी बहुत मस्ट है। जेंट्स में ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड की जैसे बहुत संभावना रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर की, और इसके लिए एक टेक्निक है DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि NS के थ्रू अंगुली जैसे टिप करेंगे, और वहां पर यदि कोई गांठ जैसी स्ट्रक्चर महसूस हो रही है उस केस में इसको ऑपरेशन के द्वारा रिमूव किया जाएगा। और जेंट्स में जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है तो यूरिन प्रॉब्लम रहती है, फीकल प्रॉब्लम रहती है, और डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, विस्ता त्याग है वो कष्टपूर्ण होता है, उस केस में इस ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है। टेस्टिकुलर कैंसर नर के अंदर बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर ये सारे टेस्टिस के एबनॉर्मलिटीज दिखाई है, सारी टेस्टिस के अंदर भी चूंकि एपिथीलियम होती है, मसल सेल्स होती है, उनमें किसी में भी कैंसर हो सकता है, गांठ डेवलप हो सकती है, और उस केस में फिर पूरे टेस्टिस को रिमूव करना पड़ता है। स्किन कैंसर, इसके लिए एक फॉर्मूला है ABCD, ABCD ऑफ स्किन कैंसर, ए का अर्थ है एसिमेट्री, बी का अर्थ है बॉर्डर, सी का अर्थ है कलर, डी का अर्थ है डायमीटर। मान लो आपकी स्किन पे कोई भी तिल बन रहा है, मस बन रहा है, यदि वो एसिमेट्रिकल है, गोल नहीं है, एसिमेट्रिकल है, असमिताकार है, इसका मतलब डेफिनेटली स्किन कैंसर की वहां पर इंडिकेशन है। यदि इस स्पॉट की बाउंड्री यदि ओबड़ खाबड़ है, स्मूथ नहीं है, हम्प्टी डम्प्टी टाइप की है, इरेगुलर बॉर्डर है, इसका मतलब ये कैंसर का इंडिकेशन है। इस स्पॉट का कलर जो होता है तिल का, ये कलर टैन कलर हो सकता है, भूरे रंग का, लाल रंग का हो सकता है, ब्लैक रंग का हो सकता है, यदि इस तरह का कोई स्पॉट यदि त्वचा पे बन रहा है तो ये स्किन कैंसर का एग्जाम्पल है। और डायमीटर, इस तिल का डायमीटर यदि 8 mm या इससे ज्यादा हो, इसका मतलब वो कैंसर का रूप है, वो ले चुका है, तो इसको ABCD के नाम से जाना जाता है, ABCD ऑफ स्किन कलर। तो स्किन में कोई भी तिल बन गया, कोई भी मस बन गया, कोई भी ब्लैक स्पॉट बन गया, उसका प्रॉपर चेकअप बहुत जरूरी है, और ये चार बातें आप इसमें अब ध्यान में रखो, ABCD, ए फॉर एसिमेट्री, बी फॉर बॉर्डर, सी फॉर कलर, डी फॉर डायमीटर। ब्रेन ट्यूमर दो तरह का होगा, एक तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, एक सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो होता है ये ब्रेन के ग्लियल सेल्स के कारण होता है, ब्रेन में ग्लियल सेल जब एबनॉर्मली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेन के अंदर छोटी सी गांठ बन जाती है, इसको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर के नाम से जाना जाता है, और ये भी 5-6 तरह का है, जैसे ग्लियोमा है, मेड्यूल ब्लास्टोमा है, मेनिंजियोमा है, ग्लोबियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है, लिम्फोमा है। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर में क्या होगा कि बॉडी के दूसरे अंगों में जब कैंसर हो गया, मान लीजिए थायराइड ग्लैंड में हो गया, टेस्टिस में हो गया, किडनी में हो गया, हड्डियों में हो गया, और बॉडी के दूसरे अंगों की कोशिकाएं जब ब्लड के द्वारा माइग्रेट करके ब्रेन में चली जाती है और मेटास्टेसिस द्वारा ब्रेन में जब वो कैंसर डेवलप करती है, उसको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर है ये
ज्यादा घातक है। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर का तो आजकल इलाज है, गामा नाइफ थेरेपी होती है, गामा नाइफ सर्जरी, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर है, ये बहुत ज्यादा घातक है। इस फिगर में आप देख रहे हो, जैसे ब्रेन का ये सजाइटल सेक्शन दिखाया है, इसमें राइट लोब के अंदर छोटी सी गांठ दिखाई है, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर जब भी होगा, अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है बायलैटरल सिमेट्रिकल है, और ब्रेन का कोई भी पार्ट जब डिस्टॉर्ट होगा, किसी पार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, तो आदमी का बिहेवियर होता है वो प्रभावित होता है। और इसमें कुछ सिम्टम है जैसे वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया, नक्सी टाइप का, सीजर, कोई भी गांठ होगी स्किन के ऊपर, वीकनेस, कमजोरी महसूस करता है, स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में भी कोई बाधा आ रही है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय नहीं है चलने में, बोलने में, उठने में, बैठने में, चेंज इन विजन, आंखों की जो विजन है, दृश्य प्रणाली है, उसके अंदर ही कोई बाधा आ रही है, ड्रॉजीनेस है, आदमी एकदम आलसी हो गया, निडाल हो गया, सुस्त हो गया, काम करने मन नहीं कर रहा है। इसके अलावा मेमोरी चेंज, ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड है। और आदमी की चाल से पता लग जाएगा, चालने से पता चल जाएगा, बोलने से पता चल जाएगा, बिहेवियर से पता चल जाएगा, और इस तरह का जब सिम्टम हो तो डेफिनेटली ब्रेन ट्यूमर का इंडिकेशन है। इसके ब्रेन ट्यूमर के निदान के लिए सीटी स्कैन किया जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई की जाती है, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, लंबर पंक्चर में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूड लेते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, और उस फ्लूड का फिर कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में, और कल्चर में यदि डिटेक्ट होता है तो फिर पता लगता है। और कल्चर में क्या होगा कि यदि सेल में कैंसर नहीं हो तो कल्चर मीडियम में जो लेयर बनती है सेल्स की, वो एकदम चिकनी बनेगी। यदि कैंसर सेल को आप कल्चर कर रहे हो, वो लेयर यूनिफॉर्म नहीं बनती है, उसमें उबड़ खाबड़ बनती है। तो उबड़ खाबड़ यदि कल्चर बन रहा है सेल्स में, इसका मतलब इसके अंदर कैंसर है। तो कल्चर ये जनरली पेटिडिस में करते हैं, वाच ग्लास में करते हैं, और पेटिडिस को आप साइड से यदि आप देखो, यदि आपको सरफेस लेयर उबड़ खाबड़ नजर आ रही है, इसका मतलब इस सेल में कैंसर है। चिकनी सरफेस यदि बन रही है, इसका मतलब नॉर्मल सेल। तो लंबर पंक्चर के द्वारा भी इसका निदान हो सकता है। इस फिगर में आप देख रहे हो ब्रेन ट्यूमर, ये टर्शियरी स्टेज का फिगर है। अभी इस दाएं लोब के अंदर ब्रेन ट्यूमर छोटी सी गांठ थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई, और आप देख रहे हो ब्रेन के बीच में जो फीसर था, ये फीसर डिस्टॉर्ट हो गया, बीच का फीसर है, सीधा नहीं है, डिस्टॉर्ट हो गया। अब डिस्टॉर्ट हो गया तो याद है फिर चल नहीं सकेगा, चलेगा लेकिन वॉकिंग में प्रॉपर नहीं आएगी, हो सकता है दाई टांग तेज चल रही हो, बाई टांग ढीली चल रही हो, अपन हाथ चलाते हैं तो एक हाथ तेजी से चल रहा है, एक हाथ धीरे हिल रहा है। यदि इस तरह की कंडीशन है तो डेफिनेटली ये ब्रेन ट्यूमर की एडवांस स्टेज है। जेंडर के बारे में, जनरली नर में ब्रेन ट्यूमर की संभावना फीमेल से ज्यादा होती है, ये एक जनरल कंक्लूजन है। 50 साल तक की एज में ये संभावना नर और मादा दोनों में बराबर बराबर होती है, लेकिन 50 साल की एज के बाद में नर में ट्यूमर की संभावना ज्यादा रहेगी, फीमेल के अंदर संभावना कम। ये एक बेसिक कंक्लूजन है, रैंडम सर्वे है, हालांकि कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है। तो नर के अंदर कैंसर की संभावना फीमेल से ज्यादा है, 50 साल की एज तक नर और मादा दोनों में बराबर पॉसिबिलिटी है, और 50 साल की एज के बाद में नर में कैंसर की संभावना फीमेल की तुलना में ज्यादा होती है। रेस के बारे में, ह्यूमन की जैसे 5 रेस है पूरी दुनिया में, इस समय एशियन कंट्रीज के लोग हैं, अफ्रीकन्स हैं, ऑस्ट्रेलियन है, इधर ये साउथ अमेरिकन्स हैं, 5 सब स्पीसीज मान लो, 5 रेसेस मान लो, और इसमें एल्बिनो भी है, अंग्रेज जो होते हैं। तो व्हाइट रेस जो होती है, अंग्रेज जो बिना एल्बिनो जो पीपुल है, उनके अंदर कैंसर की संभावना ज्यादा होती है, ब्लैक के अंदर कैंसर की संभावना कम होती है। तो रेस के लिए आंकड़े भी है पूरी दुनिया के सर्वे के। ओरल कैंसर पे कुछ फोटोग्राफ है, हमारे मित्र इंदौर से, उनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, उनकी ये पिक्चर है, उनको भी यहाँ पर शेयर की है मैंने। ओरल कैंसर का मेन कारण स्मोकिंग, सिगरेट हो सकती है, बीड़ी हो सकती है, चिलम हो सकती है, गांजा हो सकता है, हुक्का हो सकता है, आजकल पान प्राग पूरे इंडिया में कम से कम 200 तरह के पान प्राग अवेलेबल है,
और ये देखा है कि गांव में, मेरा छोटा सा गांव है रत्नगर, और वहां पर करीब 150-200 आदमी ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे आके बैठते हैं बस स्टैंड पे, रात को 11 बजे तक वहीं बैठे रहते हैं। वो मोबाइल पुलिस है, मोबाइल कैमरे है, मान लो वेब कैमरा है वो रत्नगर का पूरा, कौन आदमी आया, कौन गया, क्या घटना हुई। और उनका काम यह होता है कि दिन में 2 बंडल तो पक्के, एक आदमी 2 बंडल, दिन में 10 चाय, और कोई भी आया गया है उसको टोपी उठाने का उनका काम रहता है। और उनके होंठ आप देखो सारा काला है, उनके जीभ काली है, दांतों का डेंचर स्ट्रक्चर है उनका बड़े अजीब तरह का है। और हर साल उस मित्र मंडली में 1-2 आदमियों की हर साल डेथ होती है ओरल कैंसर के द्वारा। तो ये कुछ फिगर है वो मैं इसमें शेयर करना चाहूंगा। या देख लो कितनी तरह की पुड़ियां अपने कैंपस में भी है, अपने कैंपस में भी ठीक है अभियान चलाते हैं एनएसएस के एनसीसी के बच्चे, और यहां से कचरा वो डंप करके साइड वाली गैलरी में डाल देते हैं। अब ठीक है कॉलेज के अंदर कचरा साफ हो गया, लेकिन साइड वाली गैलरी में आप जाके देखो तो पूरा एक ट्रक आपका प्लास्टिक का कचरा यहां पर मिलेगा, उसमें ये सारे पान प्राक की पुड़ियां ये मिलेगी अलग तरह की। ये ओरल कैंसर के अलग अलग फोटोज हैं, ओरल ल्यूकोप्लेकिया, जो भी सिगरेट पीते हैं उनके दांतों पे तार जम जाता है, लीचिंग बोलते हैं इसको, जो सिगरेट से सूट निकलता है, टार निकलता है, और ये टार आपके दांतों पे अकुमुलेट होने लग जाता है। ये भी जीभ के नीचे का पार्ट है। इरिथ्रोप्लेकिया, मसूड़े हैं लाल रंग के हो जाते हैं, दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती है, लास्ट में दांत गिर जाते हैं। ओरल सब म्यूकोशा, आंखों में जो सब म्यूकोस है उसके कैंसर में फाइब्रोसिस हो गया है, हार्ड हो गई है। और ओरल कैंसर का एक ये टेस्ट का तरीका भी है, आपके माउथ में यदि 4 उंगलियां जा रही है आप हेल्दी हो, 3 उंगलियां जा रही है हेल्दी हो, 2 उंगलियां जा रही है कैंसर का इंडिकेशन है। तो आप माउथ खोल के उंगली डाल के देख लो कितनी उंगलियां आपके जबड़े में जाती है, ये माउथ के कैंसर का एक इंडिकेशन है। इस आदमी देख रहे हो 2 उंगलियां भी बड़ी मुश्किल से जा रही है, तो डेफिनेटली ये स्मोकिंग आदि है, पानपरा खाने का आदि है। इस महिला में देखो 3 उंगलियां जा रही है, अब ये भी पानपरा खाती है, बनियों की लड़की है, और पूरे दांत आप देखना इसका फोटो आएगा टेंचर का, ये देखो पूरे दांत पे पानपराग जमा हुआ है। अब 3 उंगलियां जा रही है, 2-3 साल बाद 2 उंगलियां जाएगी, डेफिनेटली माउथ में कैंसर डेवलप हो जाएगा। ये जीभ का कैंसर है बहुत ज्यादा तंबाकू के सेवन से, ये भी जीभ का कैंसर है, जीभ पीले रंग की हो जाती है। ये टेस्ट बड का कैंसर है, मेरे अंकल के हुआ था, मेरे अंकल भी बहुत सिगरेट पीते थे पहले, लेकिन बाद में वो वैष्णो देवी गए और रास्ते के अंदर हाँफने लग गए, तब सिगरेट वो उन्होंने पीनी छोड़ी, 72 की बात है। लेकिन अभी 2005 में उनके टेस्ट बड में भी कैंसर हो गया, और उनको पता था ये कैंसर है, लेकिन उनका विल पावर बहुत जबरदस्त था, मेडिटेशन करते थे वो, और 5 साल तक सर्वाइव करे, ऑपरेशन नहीं करवाया उन्होंने, उनको पता है कि ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं है, स्प्रेड होने की संभावना ज्यादा है। तो ये टेस्ट बड का कैंसर है जीभ के अंदर। ये जीभ के नीचे का जो पार्ट है, ये दांतों का कैंसर है, दांत पीले रंग के हो गए। ये मसूड़ों का कैंसर है, चिक्स देख रहे हो, पूरा मसूड़ा है वो डैमेज हो चुका है, जबड़ी की हड्डियां है वो सारी डैमेज हो चुकी है। उसके बाद में क्या होगा, ये सेल गालों को भेद कर बाहर आने लग जाती है, ऊजिंग होती है, और ऊजिंग होती है तो इसको ये फाइनल स्टेज है। देख लो इसके होठ सारे, दांत सारे, पैलेट कितना डैमेज हो चुका है। होठों के ऊपर यदि इस तरह की कोई पिंपल्स बनने लग जाती है मवाद युक्त, ये ओरल कैंसर का इंडिकेशन है। ये भी बड़ी घातक स्थिति है, इसकी पूरी थोड़ी सी आप देख रहे हो मवाद निकल रही है। ये भी ओरल कैंसर, ये मसूड़ों का कैंसर बहुत ज्यादा तंबाकू के सेवन से, ये भी मसूड़ों का कैंसर है, ये भी मसूड़ों का कैंसर है। अब देखो दांत के नीचे मवाद भरी पड़ी है, अब ऐसे आदमी के साथ कोई बैठ नहीं सकता, इनके साथ चाय नहीं पी सकता। और होटलों में तो ये होता है कि वही कप है उसी में इसने चाय पी ली, उसी कप में दूसरे ने चाय पी ली,
अब ये डिजीज कंटेमिनेशन के द्वारा दूसरे आदमी में फैलती है, इसलिए घरों में भी अपना कप प्लेट है अलग रखो, साफ सुथरा करके उसको आप यूज में दो। ये होठों का कैंसर, नीचे वाले होठों का कैंसर, ये तालू का कैंसर है पैलेट का, ये भी पैलेट का कैंसर है, पूरा तालू डैमेज हो गया है। ये मैक्सिला का कैंसर है, प्री मैक्सिला, मैक्सिला पैलेटाइन, मैक्सिला हड्डी डैमेज हो गई है पूरी। ये एल्वियोलर कैंसर, दांतों की जो एल्वियोलस है सॉकेट, ये भी एल्वियोलर कैंसर। कभी ये हुआ कि मसोडियम कैंसर हुआ, उसका ट्रीटमेंट हो गया, अब उसकी दो चार सेल भी यदि रह जाती है, हालांकि ठीक है गांठ है उसकी बहुत ज्यादा परिधि में, ऑपरेशन करके निकालते हैं टिश्यू को, लेकिन फिर भी एक दो सेल यदि रह गई तो वो सेल दोबारा उसी पार्ट में कैंसर डेवलप कर देती है। ये रिलैप्स कैंसर का एग्जाम्पल है। इस आदमी का ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के 3-4 साल बाद में दोबारा कैंसर डेवलप हो गया, डेफिनेटली 2-4 साल वहां पर कोशिकाएं वहां पर रह गई है। ये रिलैप्स कैंसर ऊपरी जबड़े का, कैंसर क्योर हो गया, ट्रीट हो गया, 3-4 साल बाद में दोबारा डेवलप हो गया। ये कमांडो ऑपरेशन, आप देख रहे हो कितनी घातक स्थिति है इनकी, थायराइड खराब हो गई, गला खराब हो गया, दांत खराब हो गए, जीभ खराब हो गई, ट्रेकिया खराब हो गई, पूरी स्किन खराब हो गई। अब एक एक आदमी के 10-10 ऑपरेशन करने पड़ते हैं, कहीं पाइप लगा हुआ है, कहीं ब्लड सप्लाई हो रही है। अब ऐसे आदमी का जीने से भी कोई फायदा नहीं है, पैसा लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। ये भी पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है, ये भी कमांडो ऑपरेशन, कमांडो ऑपरेशन हो गया और उसके बाद में 3-4 सालों में दोबारा कैंसर हो गया ऐसी आदमी, तो रिलैप्सिंग के केसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये भी कमांडो ऑपरेशन है, आप देख रहे हो इन फिगर को, आप देख नहीं सकते, ऐसे आदमी आप देखो तो आप धड़धड़ आएगी शरीर में, आप आंखें नहीं मिला सकते, बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। ये भी कमांडो ऑपरेशन, ये भी कमांडो ऑपरेशन। हाँ, अब ये जो आदमी है इसके जीभ में पैरालिसिस आ गया आधे आधे, और देख रहे हो इसमें जीभ से जो लार टपक रही है आधे भाग में टपक रही है, जीभ से जो तरल निकले आधे भाग में, आधे भाग में नहीं, इसका आधे भाग में लकवा आ गया, पैरालिसिस आ गया। जीभ कई बार टेढ़ी हो जाती है, जीभ टेढ़ी होगी इसका मतलब आधी जीभ में पैरालिसिस हो गया। ये कुछ फोटोग्राफ है जो इंदौर से आई है, कैंसर के डॉक्टर हैं बहुत बड़े और उन्होंने भेजी है। अब थोड़े साइंटिफिक चीजें हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या क्या विशेषताएं होती है, कैंसर सेल में क्या क्या विशेषताएं होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है इसमें एक तो ग्रोथ की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, क्योंकि सेल में मल्टीप्लीकेशन है और 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, क्योंकि 1 करोड़ कोशिकाएं बनने में टाइम लगेगा, लेकिन 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा, 2 करोड़ से 4 करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आल्पिन के 9 बजे से यदि कोई गांठ है तो उसमें 10 लाख कोशिकाएं हैं, लेकिन यही गांठ जब अंगूर के गुच्छे जैसी हो जाती है उसके अंदर 10 खरब कोशिकाएं हो जाती है। अब 10 खरब से 20 खरब बनने में 2 या 3 दिन लगता है, 20 खरब से 40 खरब बनने में मुश्किल से 7-8 दिन लगेंगे, और जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो उस गांठ की साइज बढ़ती जाती है। कभी लेडीज के यूट्रस में 5-5 किलो की गांठ ऑपरेशन से निकलता है, अब 5 किलो की गांठ में आप कल्पना करो कितनी अरबों सेल्स होती होगी। तो रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है इनमें, इनवेजिनस की कैपेसिटी में बहुत ज्यादा होती है, इनवेजिनस मतलब घुसना, क्योंकि इन सेल्स में टाइट जंक्शंस नहीं होते, इन सेल में स्क्वीजिंग प्रॉपर्टीज होती है, इन कोशिकाओं में भेदने की कैपेसिटी होती है, इन कोशिकाओं में अमीबॉइड मूवमेंट की कैपेसिटी होती है, और किसी भी कैंसर के ऑर्गेन से एक दो सेल भी यदि सेपरेट होगी वो ब्लड के द्वारा प्रवास करके शरीर के दूसरे अंगों में चली जाती है और उसमें पेनिट्रेट करके उसके अंदर वो कैंसर डेवलप कर देती है। यह घटना कहलाती है इनवेजिनस। मेटास्टेसिस की परिघटना इनमें होती है, मेटास्टेसिस का अर्थ बॉडी के किसी एक ऑर्गेन में कैंसर हो गया और वो कैंसर कोशिकाएं शरीर के दूसरे अंगों में जब कैंसर उत्पन्न कर देती है यह घटना मेटास्टेसिस कहलाती है। तो मेटास्टेसिस की परिघटना भी इनमें पाई जाती है, और डिफरेंशिएशन इनमें हो सकता है, इसमें डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया का अर्थ है कि आंशिक रूप से जब विभेदन हो, एनाप्लेसिया का अर्थ है जब विभेदन की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाए, ये डिफरेंशिएशन के 2 टर्म है, डिस्प्लेसिया
मतलब इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन, और एनाप्लेसिया का मतलब डिफरेंशिएशन जब टोटली अपसेट हो। तो ये चार मेन लक्षण है एक गांठ के, मैलिग्नेंट गांठ के। ग्रोथ की कैपेसिटी है, इन्वेजिनेस की कैपेसिटी है, मेटास्टेसिस की कैपेसिटी है, और डिफरेंशिएशन लगभग इसमें नगण्य होता है या टोटली अपसेट होता है। अब कैंसर की सेल में स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, क्योंकि इसमें भी एक पूरा क्वेश्चन बनता है। अभी मैंने आपको बताया हर एस्पेक्ट पे अलग अलग व्याख्यान हो सकता है, साइटोलॉजी ऑफ कैंसर, बायोकेमिस्ट्री ऑफ कैंसर, जेनेटिक्स ऑफ कैंसर, इम्यूनोलॉजी ऑफ कैंसर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर, इकोलॉजी ऑफ कैंसर, हर एस्पेक्ट पे एक एक घंटे का व्याख्यान है। तो मैं केवल मेन मेन हेडिंग इसमें टच करूंगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस में जैसे न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की साइज बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस असामान्य प्रकार का हो जाएगा, और आपकी बॉडी में किसी भी सेल में यदि केंद्र की आकृति बढ़ रही है, केंद्र का आकार बढ़ रहा है, उसके कई मायने हो सकते हैं। हो सकता है वो सेल अविभेदित कोशिका में कन्वर्ट हो रही हो सकता है वो सेल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है उस सेल में टोटिपोटेंसी डेवलप हो रही हो सकता है उसके सेल में रीजनरेशन कैपेसिटी डेवलप हो रही हो। तो केंद्रक जब भी बड़ा हो रहा है किसी भी सेल का, इसका मतलब कई मायने हैं, और कैंसर भी उसमें एक कारण हो सकता है। आपके कहीं चोट लग गई, कोई खरोंट लग गया, घाव हो गया, उस केस में भी सेल का न्यूक्लियस बढ़ता है, और सेल का न्यूक्लियस बढ़ रहा है इट मीन्स ये डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। सेल है वो एंड डिफरेंशिएट होती जा रही है, सेल एम्ब्रियोनिक नेचर की होती जा रही है, सेल में मल्टीप्लीकेशन की कैपेसिटी डेवलप होती जा रही है, और कैंसर की जो सेल होती है इसके अंदर केंद्र का आकार बढ़ जाएगा, केंद्र की आकृति अनियमित हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। इसके अंदर राइबोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सेल डिवीजन में आप जैसे पढ़ते हो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इंटरफेज, और इंटरफेज में भी तीन स्टेजेस हो सकते हैं, G1, S, G2। तो इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब सेल डिवाइड हो रही है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी चाहिए, रेप्लिकेशन के फैक्टर्स भी चाहिए, ग्रोथ फैक्टर्स भी चाहिए। तो किसी सेल में यदि अचानक प्रोटीन संश्लेषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है, ये भी एक कैंसर का एक इंडिकेशन है, और उस केस में राइबोसोम की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के द्वारा ही होगा। गोल्जी बॉडीज की संख्या बढ़ जाएगी, विशेषकर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसमें लार का सिक्रेशन हो रहा है, आंसू का सिक्रेशन हो रहा है, मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है, पसीने का सिक्रेशन हो रहा है। अब किसी ऑर्गेन में बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, इस मीन्स उस सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज बहुत ज्यादा है। ये जितनी भी विदेशी गायें होती है, होलोस्टियम, एक एक दिन में 80 लीटर दूध देती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इनकी मेमोरी ग्लैंड्स की सेल में गोल्जी बॉडीज बहुत ज्यादा है। अपने कई छोटे बच्चों की लार बहुत टपकती है, हाइड्रोकैलेसिया बोलते हैं इसको, अब बहुत ज्यादा लार टपक रही है, इसका मतलब उस बच्चे की लार ग्रंथियों में गोल्जी बॉडीज बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चों की लार बिल्कुल भी नहीं टपकती है, ये जीरो कैलेसिया, ये भी एक डिजीज है, इट मीन्स उनकी लार ग्रंथियों में गोल्जी बॉडीज बहुत कम। तो गोल्जी बॉडीज की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये कैंसर का इंडिकेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया छोटे हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी छोटी हो जाती है, और ऐसी केस में सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है प्रॉपर, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन प्रारंभ हो जाएगा, और उस केस में ग्लाइकोलाइसिस में पाइरूविक एसिड बनने के बजाय लैक्टिक एसिड बनता है, और आदमी थका थका महसूस करता है। साइटोप्लाज्म में चेंजिंग होती है, कोई भी कोलोइडी पदार्थ इकट्ठा हो गया, कोई भी मिल्क है वो इकट्ठा हो गया। अपनी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनमें सिक्रीशन होना ही बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों में देखा है मई जून के महीनों में तापमान 50 डिग्री है, और कमरे में एसी चला रखा है, एसी का तापमान 8 डिग्री कर लिया और रजाई ओढ़े सोए। मई जून के महीने में एसी चला के रजाई ओढ़ के सोए, ये आपकी स्किन के लिए एक बहुत बड़ा घाटे का स्रोत है। आप बीमारी खुद आमंत्रित कर रहे हो, आपकी त्वचा से पसीना निकलना चाहिए, आपकी आंखों से आंसू निकलने चाहिए, आपकी मेमोरी ग्लैंड से मिल निकलना चाहिए, जो भी प्रोडक्शन है वो बॉडी के बाहर साबित होना चाहिए। यदि वो फ्लूड सिक्रीट नहीं होगा, ये भी एक कैंसर का इंडिकेशन है। आपकी आंखों में आंसू जमा हो जाएंगे, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क डिपॉजिट हो जाएगा, पसीने के अंदर पसीना डिपॉजिट हो जाएगा। अश्वगंधियों में कैंसर है, चैलेजिया बोलते हैं इसको, चैलेजियों, इसलिए महीने में एक बार रोना भी बहुत जरूरी है, इमोशनल, आपकी आंखों के लिए बहुत बढ़िया हेल्थ का एक इंडिकेशन है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजिंग होती है, क्योंकि बॉडी की जितनी भी सोमेटिक सेल है ये टाइट जंक्शंस के द्वारा जुड़ी है, और टाइट जंक्शन है वो एक तरह के प्लाज्मोडेस्मेटा, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम्स, कई तरह के कनेक्शन है अपनी कोशिकाओं के बीच में। कैंसर सेल जब होगी ये टाइट जंक्शंस पूरी तरह डैमेज हो जाएंगे, सेल फ्री होगी, सेल के अंदर स्यूडोपोडिया डेवलप होते हैं और सेल ब्लड के थ्रू माइग्रेट करके बॉडी में कहीं भी जा सकती है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन पूरा डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। साइटोस्केलेटन से मतलब स्पिंडल फाइबर्स है ना, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, तो जितने भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के जितने भी मॉलिक्यूल्स है, एक्टिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, मायोसिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन है, वो सारे विकृत हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो ये कुछ कैंसर सेल की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी है इसमें, एक तो इमोर्टलाइजेशन, इमोर्टलाइजेशन अमर। अब यदि कल्चर मीडियम में नॉर्मल सेल यदि आप कल्चर करते हो, हर सेल की अपनी एक लिमिट है, हर सेल 10 बार डिवाइड हो सकती है, 20 बार डिवाइड हो सकती है, 30 बार डिवाइड हो सकती है, इसको हाई फ्लैक लिमिट बोलते हैं। एक लिमिट के बाद में उस सेल का डिविजन जो होगा वो रुक जाएगा, लेकिन कैंसर सेल है उसको यदि न्यूट्रिटिव मीडियम, यदि पोषक पदार्थ यदि मिल रहे हैं, तो वो सेल एक महीने तक, छह महीने तक लगातार मल्टीप्लाई होती रहेगी, उसमें डिवीजन की कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, इसको इमोर्टलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन कंडीशन है कि उसको पोषक पदार्थ की सप्लाई होती रहनी चाहिए। इसलिए जब भी आदमी में कैंसर होता है, देखा वो खाना बहुत ज्यादा खाता है, नॉर्मल डाइट होती है, कहीं आप चार चपाती खा रहे हो, कैंसर पेशेंट 20-20 चपाती खा जाते हैं। यदि आदमी की अचानक डाइट बढ़ रही है, डेफिनेटली कैंसर की शुरुआत हो गई है उस आदमी के अंदर। कॉन्टैक्ट इनिबिशन समाप्त हो जाता है, सेलुलर एडिशन समाप्त हो जाता है, इन्वेजिनेसिस की घटना विकसित हो जाती है, क्योंकि कैंसर सेल है ये प्रोटीएज एंजाइम सीक्रेट करती है, और प्रोटीएज एंजाइम जो होता है किसी भी टारगेट सेल्स में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उनको डाइजेस्ट कर देगा और उसको पेनिट्रेट करके उस ऑर्गेन में वो पहुंच जाता है। एंकर कैपेसिटी इनमें डेवलप हो जाती है, एंकर लंगर बोलते हैं इसको। तो पानी के जो जहाज होते हैं वो, अब उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म थोड़ी है, समुद्र में खड़ा करना है उनको, लेकिन उस जहाज में क्या होता है, सैकड़ों लंगर होते हैं, 100-100 मीटर गहरे भारी सांकल के, वो लंगर लटका देते हैं और वो जहाज वही पानी में ठहर जाता है। अब नॉर्मल सेल है उसको एक सबस्ट्रेट चाहिए कल्चर के लिए, आधार चाहिए, ये आधार पेटिटिस हो सकती है, वाचक्लास हो सकती है, पोर्सलिन की प्याली हो सकती है, कोई बढ़िया प्लास्टिक की प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन तरल माध्यम में भी सेल है वो कल्चर कर सकती है, इसको सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं। तो कैंसर सेल जो होती है वो फ्लूइड मीडियम में भी कल्चर कर सकते हो, इसको सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि इसमें एंकर कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है, सीरम रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है कैंसर सेल्स की, शुगर ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा क्योंकि एनर्जी चाहिए, और मेन एनर्जी का सोर्स है वो ग्लूकोज ही होता है, वो ग्लूकोज के अवशोषण की दर इन कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्राव बढ़ जाएगा, एवाईवी ग्लाइकोलाइसिस प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में जब लाखों सेल बनती है, करोड़ों सेल्स बनती है, हर सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो इनके अंदर एवाईवी शोषण प्रारंभ हो जाता है। ये पूर्वजों का लक्षण है, पृथ्वी में जब भी एनिमल्स बने हैं वो सबसे पहले एनएरोबिक एनिमल्स बने, उसके बाद में एरोबिक एनिमल्स बने, तो ये एक अपने पूर्वजों का लक्षण भी है एवाईवी लक्षण। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन डिफेक्टिव हो जाएगा, आपकी हर सेल में करंट है, अब यदि मल्टीमीटर आपकी स्किन सेल के बाहर हो, सेल के अंदर यदि इलेक्ट्रोड से जोड़ो तो वोल्टमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आता है, आपके नॉर्मल केस में -70 मिलीवोल्ट करंट आपकी बॉडी में होना चाहिए, यदि ये करंट 0 मिलीवोल्ट आ रहा है, इसके कई मीनिंग है, हो सकता है ये सेल बूढ़ी हो गई हो सकता है ये सेल निष्क्रिय हो गई हो सकता है सेल ने काम करना बंद कर दिया हो सकता है सेल में रेप्लिकेशन खत्म हो गया हो, ये सेल की डेथ हो गई हो, ये सेल आवश्यकता से ज्यादा बन गई हो, कई कारण है। यदि किसी भी सेल का 0 मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये भी एक बहुत बड़ी घातक स्थिति है, और डेफिनेटली डेथ को इंडिकेशन है एक तरह का। डेड बॉडीज में भी 3 दिन तक कोशिकाएं वो जिंदा रहती है, डेड बॉडीज के हम आंख निकाल लो, वाल निकाल लो, किडनी निकाल लो, दूसरे आदमी में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, लेकिन 3 दिन बाद में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा, 0 आ गया इसका मतलब डेथ हो, इसको फिजियोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। तो डॉक्टर में देखा वो ब्रेन डेड हो गया,
एनाटॉमिकल डेथ होगी ब्रेन की, फिजियोलॉजिकल डेथ होगी, और फिजियोलॉजिकल डेथ से मतलब ब्रेन में नर्व सेल्स का मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 मिलीवोल्ट हो गया, 0 मिलीवोल्ट हो गया तो उसकी डेथ होगी। और बड़े बड़े जो नेता होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, एनाटॉमिकल डेथ हो जाती है, उनको आर्टिफिशियल मशीनों पे दो दो तीन तीन दिन में उनको खींचते रहते हैं वेंटिलेटर्स पे, एक्चुअल डेथ उनकी हो गई है। प्लाज्मा झिल्ली में मॉलिकुलर चेंजिंग होती है, इसमें ये कई तरह के प्रोटीन्स है, GM1, GM2, GM3, कैंसर कोशिकाएं जो होती है इसके अंदर GM3 टाइप के प्रोटीन्स मैक्सिमम मिलेंगे, GM1, GM2 ये सारे डैमेज हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और सिलेक्टिव एग्लूटिनेशन की घटना इसमें पाई जाती है, विशेषकर लेक्टिन जो होते हैं, लेक्टिन के साथ बाइंडिंग इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। यदि किसी कल्चर मीडियम में लेक्टिन एज ए मीडियम है और उसमें आपने नॉर्मल सेल रखी, कैंसर सेल रखी, नॉर्मल सेल है वो लेक्टिन के साथ बाइंड नहीं होती है, बंधित नहीं होती है, लेकिन कैंसर सेल है वो लेक्टिन के साथ बंधित हो जाती है, जुड़ जाती है, इसका मतलब इस सेल के अंदर कैंसर है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है एक कैंसर की कोशिका की। अब कारण, नॉर्मल कारण आपने पहले डिस्कस किए, एनवायरमेंट हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकती है, इसके अलावा जो साइंटिफिक बेसिस पे यदि अपन डिस्कस करें, ये फैक्टर जेनेटिकल हो सकते हैं, जेनेटिकल में क्रोमोसोम में कोई अबनॉर्मलिटी हो गई म्यूटेशंस के द्वारा, म्यूटेशन डिलीशन के रूप में हो सकता है, डुप्लीकेशन के रूप में हो सकता है, इन्वर्जन के रूप में हो सकता है, ट्रांसलोकेशन के रूप में हो सकता है। तो गुणसूत्र में यदि किसी भी तरह का म्यूटेशंस हो रहा है, किसी तरह की स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज हो रही है, कैंसर का एक इंडिकेशन है। जीन के अंदर उत्परिवर्तन हो सकता है, ये भी आप पढ़ते हो जेनेटिक्स में, जीन म्यूटेशंस भी डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, टोटोमराइजेशन है, बेस एनालॉग है, सब्स्टिट्यूशन टाइप के म्यूटेशंस है, ये भी कैंसर के इंडिकेशंस है। और एपिजेनेसिस, एपिजेनेसिस का अर्थ है कि अपनी बॉडी की हर सेल में जीन सेम है, पूरी बॉडी जायगोट से बनी है, जो जीन जायगोट में है वही जीन बॉडी की हर सेल्स में है, लेकिन हर सेल में फंक्शनल जीन अलग अलग, और फंक्शनल जीन जो होता है इसको एपी जीन बोलते हैं। आपकी स्किन में मेलानिन बनाने वाला जीन है, आपकी आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन है, आपकी रेटिना में रोडोप्सिन आइडोप्सिन बनाने वाला जीन है। अब अपने स्किन सेल में भी हीमोग्लोबिन का जीन है लेकिन वो निष्क्रिय है, आपकी आरबीसी में भी मेलानिन क्रिएटिन बनाने वाला जीन है लेकिन वो इनएक्टिव है, एक्टिव जीन जो होता है इसको एपी जीन बोलते हैं। और आपकी बॉडी में कैंसर का जीन भी है, इसको ऑन्कोजीन बोलते हैं, हर आदमी के अंदर है। अब ये कब एक्टिव होगा, कब इस जीन का स्विच ऑन होगा, ये बच्चे के जन्म से डिसाइड हो जाता है, जब भी ऑन्कोजीन का स्विच ऑन होगा उसके अंदर कैंसर डेवलप हो जाएगा। और कई बार ये भी देखा गया कि कैंसर हुआ, 3-4 साल बाद में कैंसर अचानक ठीक हो गया, इसके पीछे रीजन क्या है कि कैंसर का जो जीन स्विच ऑन था उस जीन का स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया तो कैंसर अपने आप क्योर हो गया। और आजकल मेलाटोनिन हार्मोन पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, अपने पीनियल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में मेलाटोनिन एक रामबाण औषधि है। तो जो व्यक्ति मेडिटेशंस करते हैं, छाया में ज्यादा रहते हैं, नींद बहुत ज्यादा लेते हैं, उनके अंदर कैंसर की संभावनाएं बहुत कम है। तो मेलाटोनिन थेरेपी आजकल चल रही है कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स भी हैं, एक्सोजिनस एजेंट, जिसमें मेनली केमिकल्स, और केमिकल जैसे मैंने आपको बताया कि लाखों तरह के केमिकल साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिए, 2000 तरह का तो प्लास्टिक बन गया, प्लास्टिक जो 5 रुपए किलो से लेके 20,000 रुपए किलो तक मार्केट में अवेलेबल है। अब ये कुछ केमिकल है जिसमें 4-एमिनो-बाइफिनाइल, आर्सेनिक, एस्बेस्टस, ऑरेबिन, बेंजीन, बेंजीडिन, बिस ईथर, कैडमियम ऑक्साइड, क्रोमियम, हेमेटाइट, टू नेफ्थाइलामिन, निकल, शूट, टार, वाइनाइल क्लोराइड, इसके अलावा भी हजारों केमिकल्स हैं जो शरीर में कैंसर प्रोड्यूस करता है। और आपकी बॉडी जब भी इन केमिकल्स के टच में आएगी, इन केमिकल्स से उद्भासित होगी, अपने शरीर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, स्किन में कैंसर हो सकता है, फेफड़ों में कैंसर हो सकता है, हड्डियों की बोन मैरो में कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है, नजल कैविटी में हो सकता है, स्क्रोटम में हो सकता है, ब्रेन के अंदर कैंसर हो सकता है। तो ये केमिकल कार्सिनोजन्स है, हाथे केमिकल्स हैं। इसके अलावा
रेडिएशन, रेडिएशन से आप बच नहीं सकते। आपके घरों में यदि ग्रेनाइट का आंगना है उससे भी रेडिएशन निकल गई है, आप मोबाइल यूज करते हो उससे भी रेडिएशन निकलती है, आपने यदि आपकी कलाई घड़ी में डायल अंधेरे में दिखते हैं, अक्सर दिखते हैं, उसके अंदर रेडियम की पॉलिश है, उससे भी रेडिएशन निकलती है। हॉस्पिटल में जो नर्सें काम करती है ऑपरेशन थिएटर में, उनको रेडिएशन से उद्भासित होना पड़ता है। इसके अलावा आप टेलीविजन देखते हो, कंप्यूटर आप चलाते हो, वो कहने करता है कि रेडिएशन से आप बच नहीं सकते, इसे अवॉइड करो उतना ही ज्यादा अच्छा है, इसे मिनिमम डिस्टेंस। तो रेडिएशन में एक्सरेज है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, और इसमें कुछ रेडिएशन ऐसी जिसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है, पेनिट्रेशन पावर, वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका पेनिट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। और ये किरणें हैं, ये डायरेक्ट डीएनए को डैमेज करती है, केंद्रक में जाके डीएनए को डैमेज कर देगी। अब डीएनए जब डैमेज हो गया, क्रोमोसोम डैमेज हो गया, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर अलग हो गए, तो उससे क्रोमोसोम का फिर कोई मतलब नहीं, सेल डिवीजन बाधित होता है, रेप्लिकेशन बाधित होता है, ट्रांसक्रिप्शन बाधित होता है, ट्रांसलेशन बाधित होता है। इसलिए इन किरणों से जहां तक हो बचे, आपकी बॉडी का एक्सरे भी मिनिमम हो। आपने यदि 10 बार बॉडी का एक्सरे करा लिया, आपकी सेल डिवीजन की कैपेसिटी खत्म है। और छोटे बच्चों का तो एक्सरे होना ही चाहिए, आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है कि मैं लड़का चाहिए, मैं तो लड़की है लड़का है। अब लेडीज प्रेग्नेंट हुई नहीं, हर महीने उसके अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, डॉक्टर साहब देख के बताओ लड़का है लड़की है। ठीक है, लड़का है लड़की है, जो भी होना है हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड से क्या मतलब। उस एम्ब्रियो का ब्रेन कितना सेंसिटिव होता है, सेल कितनी सेंसिटिव होती है, और अल्ट्रासाउंड से भी है अल्ट्रा वाइब्रेशंस निकलती है, उन ध्वनि से उनका है ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन के अंदर एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। तो कहने का अर्थ है इन किरणों से अपने आप को कम से कम एक्सपोज करें। बहुत ही कोई जरूरत पड़े एक्सरे करवाने की तो कराओ, सोनोग्राफी करानी है कराओ, अदरवाइज नहीं। वायरसेस आजकल नित नए वायरस, कोरोना वायरस का झमेला चल रहा है, और वायरस आप खाते हो, वायरस आप पीते हो, वायरस आप निगलते हो, हवा के थ्रू ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, खाने पीने के थ्रू कर रहा है। एक नॉर्मल एग्जांपल, आप घरों में ये पालक खाते हो, मूली खाते हो, मूली की पत्तियां जो पीले रंग की है कहीं, वो वायरस है। अब उन पीली पत्तियों को काटते नहीं है कभी, गांव में देखा है उन सब्जी में वही पीली पत्तियां डाल रही, वही सब्जी खा रही, ये वायरस आपकी बॉडी में जा रहे हैं, पीने के द्वारा ये वायरस आपकी बॉडी में जा रहे हैं, हवा के थ्रू ये वायरस आपकी बॉडी में जा रहे हैं। और वायरस का जो डीएनए होता है ये आपकी बॉडी के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और इन डीएनए जब आपकी बॉडी के डीएनए में जुड़ गया, ये लंबे समय तक आपकी बॉडी में चलता रहेगा। और अपनी बॉडी में कम से कम 20-30 ऐसे जीन हैं जो वायरस के हैं, इनका इन्वेजन शरीर में हो गया, लाखों वर्षों पहले हो गया, नित नए होते जा रहे हैं। अब ये कोरोना वायरस है, जिस आदमी में भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% क्योर हो। इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, और ये रेप्लिकेट होता रहेगा। आगे जाके इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे वो एक अलग तरह का रिसर्च है। तो कुछ डीएनए वायरस है जैसे एप्स्टेन बार वायरस, ये बर्किट लिम्फोमा को डेवलप करता है, और अफ्रीका में ये बीमारी बहुत नॉर्मल है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ये फीमेल के यूट्रस में कैंसर डेवलप करती है। लक वायरस, ये रीनल ट्यूमर को डेवलप करती है। बैरिक वायरस, ये पक्षियों में ट्यूमर डेवलप करता है। ट्यूमर हर एनिमल्स में होगा, इवन दो पौधों में भी कैंसर होता है। आप कई खेतों में जाओ, खेजड़ियां उनके ऊपर ठूंठ जिसको बोलते हैं गांठ, गांठ यदि किसी पौधे के अंदर है वो एक कैंसर का इंडिकेशन है। तो कैंसर पौधों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। अब पौधे हैं वो बेजुबान है, वो कहते नहीं है, लेकिन दिखता है अपने को। एडिनो वायरस, ये ल्यूकोमिया डेवलप करता है, लिम्फोमा डेवलप करता है। याबा वायरस, ये बिनाइन ट्यूमर को डेवलप करता है। पोलियो वायरस, ये चूहों के अंदर कैंसर डेवलप करता है। सीमेन वायरस 40, ये बंदरों के अंदर कैंसर डेवलप करता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये स्किन के अंदर कैंसर डेवलप करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस, ये यकृत के अंदर कैंसर डेवलप करता है। कुछ आरएनए वायरस भी हैं, इनको रेट्रो वायरस बोलते हैं। ऐसे वायरस जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए हो उसको रेट्रो वायरस, जैसे एचआईवी का वायरस ये रेट्रो वायरस है, स्वाइन फ्लू का वायरस है, एवियन फ्लू का वायरस है,
तो इसके अंदर आरएसवी रोस सार्कोमा वायरस, म्यूरिन सार्कोमा वायरस, म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस, एवियन सार्कोमा वायरस, एवियन ल्यूकोसिस वायरस, एवियन माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया वायरस, ये सभी वायरस ऐसे हैं जिसके अंदर जेनेटिक मेटेरियल आरएनए है और ये आपकी बॉडी में कैंसर है वो डेवलप करते हैं। अब कैंसर के लिए कई कारक जैसे डिस्कस किए अपने, एनवायरमेंट इसके लिए उत्तरदायी है, आपकी लाइफस्टाइल उत्तरदायी है, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ जीन और जेनेटिक प्रोडक्ट है वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसमें पूरा एक घंटे का व्याख्यान अलग से हो सकता है। जो बच्चे पीजी में है उनके तो शायद कोर्स में भी है कुछ जीन्स, कैंसर के जीन है उसमें अलग से शॉर्ट नोट्स भी आता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये क्या होगा, ये जीन ऐसे जीन है जो बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो कैंसर को क्योर करते हैं, कैंसर होने से डेवलप होने से रोकते हैं। तो ये कुछ जीन है जैसे आरबी जीन है, P53 आपके कोर्स में भी है प्रीवियस के बच्चों में, एपीसी जीन है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, BRCA1 जीन, ये कुछ ऐसे जीन है जो जीन इनसे जो प्रोटीन्स बनेंगे वो प्रोटीन कैंसर को डेवलप होने से रोकते हैं। कुछ जीन ऐसे हैं जो कैंसर डेवलप होने में हेल्पफुल है, इसमें जैसे सिस ऑन्कोजीन है, ERB ऑन्कोजीन है, रेफ ऑन्कोजीन है, MYC ऑन्कोजीन है, BEL2 ऑन्कोजीन है। इन जीन की कार्य प्रणाली कैसे है ये पूरा अलग से एक आस्पेक्ट है, पूरा एक अलग से क्वेश्चन है। निदान कैसे करेंगे, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। डायग्नोसिस के लिए एक्सरे लो डोज का, आजकल डिजिटल एक्सरे मशीनें आ गई जिसमें आपको सिलोनाइटेड से धोने की जरूरत नहीं है, एक्सरे प्लेटों को डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे इमेज बनती है, उसका कलर प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल लो, उससे जो रेडिएशन निकलती है वो बहुत ही कम डोज की है, ज्यादा घातक नहीं है। आजकल डिजिटल एक्सरे मशीनें आ गई है उनका यूज होता है, सोनोग्राफी के द्वारा डिटेक्शन कर सकते हैं, MRI के द्वारा विशेषकर ब्रेन ट्यूमर है, कैट स्कैन कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी, PET पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, बायोसेंसर वेट लॉस, आजकल बायोसेंसर में बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। आप यदि कोई ऐसी डिवाइस कर लो और उस डिवाइस को आप स्किन के या कहीं भी आप बांधो तो वो मशीन है वो डिटेक्ट कर दे कि इस पार्ट के अंदर कोई गांठ है, स्वेलिंग है, कोई टिश्यू का मास है वो बनने जा रहा है। तो आजकल ऐसे बायोसेंसर बन गए जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों में कैंसर है उसको डिटेक्ट करके हाथों हाथ बता देते हैं। वेट लॉस, कैंसर पेशेंट में वजन अचानक गिरता है उसका, बहुत ज्यादा वजन डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये कैंसर का एक इंडिकेशन है। तो ये कुछ निदान के तरीके हैं। इसमें उपचार के लिए कई थेरेपी है आजकल, सर्जरी जैसे ये और ट्रेडिशनल मेथड है, यदि प्राइमरी स्टेज में गांठ का पता लग गया तो ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल दो, ये शल्य चिकित्सा, लेकिन लास्ट स्टेज की गांठ है उसको ऑपरेशन करके निकालना बड़ा रिस्की है, क्योंकि एक दो सेल भी यदि रह गई उस पार्ट में वो दोबारा उसके अंदर कैंसर डेवलप कर देगी, एक दो सेल यदि ब्लड में चली गई दोबारा कैंसर डेवलप कर देगी। अपने यहाँ पर लाइब्रेरी में थे एक राजकुमार जी मीणा रत्नगर के, और उनके यहाँ पर वो गुमड़ी थी छोटी, और उन्होंने ब्लैडर दाढ़ी बना लेजर से उस गुमड़ी को उसने काट दिया, बाद में ये सेल उनके ब्रेन में चली गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया, 6 महीने सर्वाइव कर पाए। तो इस तरह की गांठ हो तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, निकालना है तो डॉक्टर की कंसल्टेंट से है सर्जरी के द्वारा उसको आप रिमूव करो। रेडिएशन, ये जनरली बीकानेर में PBM हॉस्पिटल में जैसे काम में लेते हैं तो कोबाल्ट थेरेपी से उपचारित करते हैं गांठ को रेगुलर इंटरवल से, 15-15 दिन के इंटरवल से। और अब ये कैंसर सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें मेटाफेज स्टेज भी आएगी, और मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम है वो बन जाता है, क्रोमेटिन नहीं होता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उस गांठ को कोबाल्ट थेरेपी से ट्रीट करेंगे तो ये जो विकिरणें निकल रही है ये क्या करेगी, गुणसूत्रों को डस्ट कर देती है, गुणसूत्रों को डैमेज कर देती है। अब क्रोमोसोम जब डैमेज हो गए तो क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन रुक गया, ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, ट्रांसलेशन रुक गया, और सेल का डिवीजन रुक गया। अब सेल का डिवीजन रुक गया तो हो सकता है उस गांठ में मान लीजिए 10 करोड़ सेल है, तो आपने पहली बार जब कोबाल्ट थेरेपी दी तो 10 करोड़ में हो सकता है कि 10 लाख सेल है वो डैमेज होगी। फिर 15 दिन के इंटरवल से दोबारा कोबाल्ट थेरेपी देंगे, फिर तीसरा थेरेपी देंगे, तो इस तरह करके 7-8 बार जब कोबाल्ट थेरेपी देते हैं तो बारी बारी करके मेटाफेज की सेल है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है। लेकिन ये तरीका कामगार तभी होता है जब प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज की गांठ है वो डिटेक्ट है, एडवांस स्टेज में ये थेरेपी पॉसिबल तो है लेकिन इतनी कामगार नहीं।
कीमोथेरेपी ये आजकल जैसे यूज होता है, और कीमोथेरेपी में जितनी भी मेडिसिन होती है वो ग्लूकोज के थ्रू एंट्री होती है, क्योंकि इन ड्रग्स के रिसेप्टर हैं वो प्लाज्मा सिटी में नहीं है, इसलिए कैंसर की जो मेडिसिन है उसको ग्लूकोज के साथ ऐड कर दिया जाता है, ग्लूकोज के साथ जोड़ दिया जाता है। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, तो जो ही ग्लूकोज सेल में एब्जॉर्ब होगा उसके साथ वो कैंसर की मेडिसिन भी उस सेल के अंदर चली गई। अब ये मेडिसिन उस सेल में कई लेवल पे फंक्शन करेगी, यदि डीएनए रेप्लिकेशन रुक गया कैंसर ठीक हो जाएगा, सेंट्रोल का डिवीजन रुक गया कैंसर ठीक हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक गया कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई भी स्टेज हो, सेल डिवीजन की कोई भी स्टेज हो, कोई भी मैकेनिज्म हो, वो मैकेनिज्म यदि स्टॉप हो जाती है कैंसर अपने आप ठीक हो जाता है। और अपने आयुर्वेद में जैसे पुदीना है बहुत बढ़िया मेडिसिन है कैंसर के ट्रीटमेंट की, तुलसी ऐसे मॉलिक्यूल है जो डीएनए रेप्लिकेशन को रोकते हैं, सेंट्रोल के डिवीजन को रोकते हैं, इसलिए जो पुराने अपने आदमी देखा हुआ सुबह चाय में ये तुलसी और ये लेते हैं, मंदिरों में पंचामृत देते हैं, पंचामृत में तुलसी का पत्ता जरूर होता है, उसके इंडिकेशंस क्या है, ये कैंसर को क्योर करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए आपके तुलसी का यूज आप करें, पुदीने का यूज करें। इम्यूनोथेरेपी ये आजकल एडवांस टेक्निक है, हाँ बस 2 मिनट। इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनो मेडिसिन आजकल यूज होती है, बोन मैरो का प्रत्यारोपण ये भी आजकल संभव है, डीएनए वैक्सीन है वो बन चुकी है, और जीन का ट्रांसप्लांटेशन भी आजकल पॉसिबल है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को काटेंगे और लाइगेस एंजाइम से आपको जो भी डीएनए चाहिए वहां पर आप जोड़ सकते हो, तो जीन का भी आजकल ट्रांसप्लांटेशन होता है। और ये स्टेजेज जो होती है कैंसर की, प्राइमरी स्टेज बनेगी, सेकेंडरी स्टेज बनेगी, टर्शियरी बनेगी, क्वार्टरली बनेगी, और फाइनल स्टेज होती है, तो उसमें पूरी बॉडी में कैंसर की सेल है वो स्प्रेड हो जाती है। और ये कुछ डाटाज हैं, 1913 में जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद में 10% सर्वाइवल था, 2003 में 66% सर्वाइवल है, 2013 में 96% सर्वाइवल है, तो कैंसर अब कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, निदान प्रॉपर तरीके से हो जाए, प्रॉपर टाइम में हो जाए, इसके अंदर 100% ट्रीटमेंट है, 100% क्योर है, 100% सर्वाइवल है। और ये जंग अपनी चलती रहेगी, क्योंकि 2020 के मैच की तरह है, ये जंग चलती रहेगी। हाँ, ये कुछ प्रिवेंशन है, स्मोकिंग है इसे आप बचो, तंबाकू चबाने से बचो, आपकी डाइट में फाइबर सबसे ज्यादा हो, एल्कोहल का यूज बहुत मिनिमम हो, आपका स्किन का एक्सपोजर बहुत कम हो धूप की किरणों से, और रोजाना एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं तो भी महीने हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज, भले ही आप 1 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक कर लो। ये कैंसर स्कल है, इसमें स्मार्टनेस इसकी मदर की है, ये पर्सनालिटी इसके फादर की है, ये कैंसर इसकी नानी से आया है, ये 5 साल की बच्ची है और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती है। कोई क्वेश्चन? टीलोमेरेज तो छोटा होता जाता है हर डिवीजन के बाद में, लेकिन कैंसर सेल में क्या इन्वेजिनेस की प्रॉपर्टीज है, माइग्रेशन की प्रॉपर्टीज है, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टीज है, ये मेन प्रॉब्लम। और कल्चर मीडियम में तो ये अनगिनत टाइम तक डिवाइड होती रहेगी, अपनी बॉडी में डिवाइड होगी तो गुमड़ा फूट जाएगा, कई बार ये भी होता है, आपकी स्किन में कोई गांठ होगी, सेल अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, लास्ट में गुमड़ा फूट गया, तो वो सेल ऊज होके बॉडी के बाहर आ जाते, तो टीलोमेरेज तो इसमें छोटा होगा। आजकल ये भी एक चल रहा है कि कैंसर ट्रीटमेंट में भी टीलोमेरेज का यूज है, कैंसर डेवलप करना है तो टीलोमेरेज बढ़ा दो, कैंसर ठीक करना है टीलोमेरेज छोटा कर दो। और कोई क्वेश्चन? लेकिन टीलोमेरेज जोड़ना, छोटा करना, पैसे चाहिए, एक सेल का किलोमीटर छोटा करना है तो 50 लाख का खर्चा है। और कोई?
हाँ कन्वर्ट हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट होने के कई कारण है, उसमें मैकेनिकल प्रेशर्स नहीं पड़े है, कई बार आपके चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, आप पींच रहे होते हैं उनको है, नाखून से कुचल रहे होते हैं, तो ये मैकेनिकल प्रेशर है, ये उनको मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। कई लड़के होठ चबाते रहते हैं, अब आपके दांतों का मैकेनिकल प्रेशर आपकी होठों की सेल पे पड़ रहा है, आपके होठों में कैलस बन जाएगा, गांठ बन जाएगी। लकड़ी फाड़ने वाले जो आदमी है उनके अंगुलियों में आयरन मिलेंगे, ये भी कैलस है, एक तरह का कैंसर नहीं है, ये भी बिनाइन ट्यूमर है एक तरह का। तो कोई भी मैकेनिकल प्रेशर है उसमें नहीं होना चाहिए, गांठ से छेड़छाड़ नहीं हो, हटाना है तो डॉक्टर के थ्रू, सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव करिए। खुद ही डॉक्टर बन गए तो फिर कई केसेस है, मैंने तो देखे आंखों के सामने, मेरे घर में चार आदमियों की डेथ हुई है कैंसर से पिछले 10 साल में, तो मेरे को पता है कितना पैसा लगता है, आदमी फकड़ हो जाता है। एक नॉर्मल कैंसर के ट्रीटमेंट में 40 लाख 50 लाख का खर्चा मामूली बात है। ओके देखिए सर।